माय यूट्यूब चैनल मिस्टी डॉट मी टू। तो आज का ब्लॉग है गोलगप्पा चैलेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं गोलगप्पा मेरी ननद जी ली हुई है, तो मेरे और मुस्कान जी में है गोलगप्पा चैलेंज। हम लोग 30 गोलगप्पा का चैलेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन विनर होता है। मैं हूँ विनर, मतलब गाइस देख सकते हैं आप, मतलब पहले से ही मान लिए कि मैं विनर हूँ। तो देखते हैं इस ब्लॉग में ना कि कौन होता है। बस वैसे तो मजा ही आएगा क्योंकि गोलगप्पा का चैलेंज है और गोलगप्पा तो सबको अच्छा लगता है। फिर आप बने रहिए। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं गोलगप्पा चैलेंज। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने जल्दी जल्दी खा रही है लड़की। बहुत ज्यादा टेस्टी, मतलब जिसने भी गोलगप्पा बनाए गए बहुत ही टेस्टी है, एकदम मजा आ गया। क्या मजा आ रहा है, एक ही खाना तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारा खा ही लेंगे हम। बहुत ही अच्छा गोलगप्पा बनाया है। और एक बात मैं बता दूं कि जहां से मैंने गोलगप्पा लिया है ना, वो लोग भी हम लोग का ब्लॉग देखते हैं, तो ये ब्लॉग देखेंगे तो मैं बताना चाहूंगी कि सच में गोलगप्पा बहुत ही टेस्टी बना है यार, बहुत ही अच्छा लगा खा के। हमको तो पता है आप ही हारेंगे। इतना मतलब गोलगप्पा खाती के लिए पता है हारेंगे, कोई नहीं, हार जीत तो सब में होता है। आप हार जाइएगा, देखते हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। अभी से आप ऐसा नहीं कह सकते हो आप हार जाएंगे, हमको तो पता ही है। उसने तो पूरा सपाटा कर दिया है, आराम से पेट खराब होगा ना तो जाके बैठे रहेगी। जब आप ओम के साथ चैलेंज लगाए थे गोलगप्पा का, तो नहीं सारे फैमिली का लगाए थे, सारे फैमिली का लगाए थे, तो कौन जीता था उसमें? भाभी। भाभी जीती थी, मेरा तो पेट भर गया था और उस टाइम शायद मेरा जुकाम भी था तो हम नहीं जीते थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है हम नहीं जीतेंगे, जैसे कि ये बोलिए बार बार कि आप नहीं जीतेंगे, है ना? मतलब कितना तक खा गया। अच्छा इतने झूठ। हाँ भाई साहब टीका लगाओ। हम बोला था हम 60 भी खा सकते हैं, तो कितना खाया था? हम 50 खाते, वो 60 खाए थे। बाप रे, मेरा तो बेटा ना हूँ जिसे सब चैलेंज लगा के, वो भी बहुत गाइस खाता है उसके बगैर। हाँ उससे पहले हम उन्हीं के साथ चैलेंज लगाए थे, देखे ना बिस्किट वाला, वही जीता था लास्टली। आपको पता है बच्चे समझ के छोड़ देते हैं हार जाते हैं, रियली सच्ची में। ये झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं हारने के लिए। फिर क्या गाइस, हम खाना भी खाए थे पहले। झूठ बोल रहे हैं, खाए थे आप, पूछ सकते हैं इसकी बहन से। तो बहन तो है नहीं, बहन जो है इसकी साथी बैठ के खाए हैं। तो पेट भी भर गया।
आप देखोगे आप ये पता क्या करी मेरा मुंह वैसे से घुसाते जाके तुमने आराम से खा लिया मतलब मुंह में है तो घुसाई जा रही तो हम ऐसे इसीलिए हम एक से नहीं हार गए बहुत ज्यादा मजा आया इसमें ना मजा तो बहुत ज्यादा क्योंकि हम जीत गए हैं इसीलिए उनको मिलेगा प्राइज क्या मिलेगा प्राइज में उनको जिनको ला के दे रहे जो भी जीतने वाला है ना गाड़ी पर हम ही जीते हैं वो चीटिंग से ये ना पूरा मुंह में घुसाई जा रही है और हम यहाँ पे आराम से खा रहे थे गाइस देखिए जैसे भी खा रहे लेकिन जीते तो हम ही ना यस यू आर अ विनर ओके आप पता चलती आ रही गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास एक गोलगप्पा बचा हुआ था एक था या दस था एक बराबर क्या खा रहे हैं तो फाइनली गाइस गोलगप्पा चैलेंज कम्प्लीट हो गया बहुत ही ज्यादा मजा आया गोलगप्पा भी बहुत ही टेस्टी था जो भी बनाए बहुत ही अच्छा बनाए हम लोग फिर से आपसे जरूर लेंगे क्योंकि वो बगल में ही रहते हैं जहाँ से हम लिए हैं वो ब्लॉग भी देखते हैं हमेशा देखते हैं ब्लॉग उसके बाद अभी जो जीता है उसने चॉकलेट का है जो क्योंकि जैसे सीखा है तो अभी चॉकलेट का रखे है तो मेरी ननद प्याली सी जो है मुस्कान जी वो जीती है तो अभी हम इनके लिए चॉकलेट लेके आते हैं क्योंकि विनर ये हुई है लेकिन ये हमको भी देगी आधा तो बहुत ही ज्यादा मजा आया हम अभी इनके लिए जस्ट आ रहे चॉकलेट लेके मैं जीत गई देखते हैं भाभी कौन सा चॉकलेट लाई है मेरे लिए तो गाइस मेरे पास छोटा ही चॉकलेट था फिलहाल तो हम ये चॉकलेट लाए हम इसे आपको आराम से दिखाते हैं ये आपका विनर आप जाके दिखा करो कि कौन सा क्या विनर मिला है देखिए विनर है मेरा चॉकलेट क्योंकि गाइस मेरे पास यही चॉकलेट था तो हम यही दिए बाकी हम इसे बाद में दुकान से आपको डेयरी मिल्क ला के देंगे 50 वाला डेयरी मिल्क इनको देंगे क्योंकि विनर ये हुई है और जैसे कि ये चीटिंग करी नहीं चीटिंग नहीं तो ये विनर हुई है सच में क्योंकि मतलब जैसे हम खा रहे थे वैसे ये भी खा रही थी तो एक गोलगप्पा के चलते हम हार गए लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आया और सबसे ज्यादा मजा ये आया कि हम लोग कितना जल्दी खा रहे थे तो इस चैलेंज में बहुत मजा आया क्योंकि गोलगप्पा का चैलेंज ऐसे ये है ये टॉफी है और इसके सारा हम खाएंगे बाकी भाभी को एक दिन मेरे को सो थैंक यू सो मच तो आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइएगा और मुझे क्या चीज और बनाना चाहिए चैलेंज में ये भी बताइएगा तो आज के लिए बाय बाय।